उधर धनबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पॉकेटमारी के आरोप में एक शख्स की कांग्रेसियों ने पिटाई कर दी और इस यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन बड़े नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने आरोपी शख्स का बाल पकड़कर दूर तक ले गए। हालांकि बाद में कुछ कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को छोड़ा गया। सीधा जुड़ेंगे धनबाद से, सहयोगी बंटी हमारे साथ मौजूद हैं। बंटी, पॉकेटमार था और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसे कांग्रेसियों ने पकड़ा, लेकिन इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था, ना कि उसके साथ पिटाई करनी चाहिए थी। जी, सबसे बड़ी बात आज देखने को मिली है कि धनबाद में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन था, इसमें कई दिग्गज नेता मंत्री पहुंचे हुए थे। इसी दौरान पॉकेटमारी होने की एक बात होकर लेकर हल्ला हुआ और इसमें एक युवक को कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो मंत्री जी के सामने ही पकड़ कर उसे मारपीट करने लगे। हालांकि वो चाहते तो वहां पे पुलिस थी, पुलिस को सौंप सकते थे, लेकिन इसमें साफ देखा जा रहा था कि मंत्री जी के सामने खुद को पेश करने के लिए उनके लिए एक अच्छा उदाहरण मिला था कि जो पॉकेट मार के पिटाई करते हो, यहाँ तक कि उनको बाल से काटते हुए काफी दूर तक लेकर आए। और जी, हालांकि इस दौरान काफी सारी पुलिस थी, लेकिन किसी ने भी पुलिस के हवाले करने की हिम्मत नहीं उठाई। हालांकि जब मीडिया के कैमरे जब उसको फोकस करने लगे तो इस दौरान कुछ जो वरिष्ठ कांग्रेसी थे उनका नजर पड़ी और उन्होंने उस जो पॉकेट मार है उसको वहां से हटा करके साइड करवा दिया। बड़ी घटना भी हो सकती थी, जिस तरह से लोग उस पर लात घूसों की बरसात कर रहे थे, बड़ी घटना भी हो सकती थी। बिल्कुल, पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत जोड़ो यात्रा थी, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस वहां पर मौजूद थी। जिस तरह से जी उस पॉकेट मार को जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो बीचों बीच भीड़ से घसीट के ला रहे थे, हालांकि पुलिस दोनों साइड मौजूद थी, पुलिस मंत्री जी की सुरक्षा करते या देखते इसी को लेकर, हालांकि पुलिस ने आक्षेप नहीं किया। जिस तरह से उस तरह गुस्सा भी देखा जा रहा था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, वो भी एक अलग तरह का चीज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंटी जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।